हाय 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 राहुल गांधी हाय 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 मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने किया है आंदोलन। ठाणे में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से ये आंदोलन किया गया है। आपको बता दें कि ठाणे शहर के सरकारी रेस्ट हाउस के सामने ये आंदोलन किया गया। ये आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के विरोध में आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि वीर सावरकर को लेकर प्रियांक खड़गे के दिए एक बयान को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन जारी है। इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में प्रियांक खड़गे के पुतले को भी जलाने की कोशिश की गई। संजय बाघुले बीजेपी ठाणे शहर अध्यक्ष ने इस प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। और विधायक है प्रियांक खड़गे, उन्होंने ऐसा कहा है कि विधानसभा में जो स्वतंत्र वीर सावरकर जो फोटो लगे थे उनको निकाल देना चाहिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों को देखती है? कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कल जो कर्नाटक विधानसभा में स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रतिमा वहाँ से हटाई जाएंगी ऐसी घोषणा की। हम लोग यहाँ पे प्रियांक खड़गे और कांग्रेस पक्ष के प्रमुख राहुल गांधी, इनका हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा निषेध कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और संजय राउत कांग्रेस से जुड़े हैं, उनकी प्रतिमा क्या है कांग्रेस के बारे में, यह हम लोग को उत्तर चाहिए। सर, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा था कि आरएसएस को भी हम बैन करेंगे, बजरंग दल उसको भी बैन करेंगे, और अब स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी, किस तरीके से दिखती है इन चीज़ों को? देखो, कांग्रेस जो पक्ष है वो हमेशा हिंदुत्व के विरोध में रहा है, और कांग्रेस पक्ष और कांग्रेस के जो लीडर है देशवासियों को उनके तरफ से कोई अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस की भूमिका हमेशा हिंदुत्व के विरोध में रही है। आगे भूमिका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जब तक माफ़ी नहीं मांगते, अगर जब तक कांग्रेस और प्रियंका खड़गे माफ़ी नहीं मांगते तब तक भारतीय जनता पार्टी देश भर आंदोलन करेगी।